मैं तो हमेशा से कहता हूँ, ये सब सोच समझ कर नहीं होता। इंसान जो चाहता है वो होता नहीं, और जो नहीं चाहता वो हो जाता है। नई जिंदगी शुरू करने वाली, अब ये बचपना छोड़ो और संभालो अपने आप को। क्या है, एक टुटेनी तेरे को अपने सर पे बिठा रही है और टुटेनी से पंगे ले रही है? क्यों नहीं लेगी तू पंगे? आजकल तो सभी टेनी से पंगे ले रहे हैं ना, कभी मेरा दिल, कभी मेरा दिमाग, कभी मेरी चिट्ठी, और अभी तू, तू तो दुपट्टा है, तू क्यों पीछे हटेगा, है ना? तू भी ले पंगे, शांति से ना मेरे सर पे टिक जा, पूजा के लिए सब मेरा इंतजार करे, देर हो रही, समझी? तो मैं पहना लूं। ये क्या किया तूने सरवरी, अपनी बिंदी मेरे माथे पे? मैं जानती हूँ, हमारा ये रिश्ता हमारे होने वाले बच्चे की वजह से शुरू हुआ था, लेकिन अब ये रिश्ता मुझसे कहीं आगे बढ़ चुका है। ये रिश्ता दिल से दिल तक का है। इसके लिए ये छोटी सी बिंदी तो क्या, मैं तुम्हें अपना सब कुछ दे सकती, जरूरत पड़ी तो अपनी जान। मैं भी जानती हूँ तू अपनी जिंदगी भी मेरे साथ बांट सकती है सरवरी, लेकिन पारक वो तेरे लिए तेरी जिंदगी से भी बढ़ के तू उसे कभी नहीं बांट पाएगी। तुम्हें पता है आज कौन सा दिन है, कौन सी तारीख है? आज से ठीक 4 महीने पहले हम मिले थे। चार महीने हो गए, अब तो मेरा पीछा छोड़ देना मेरे बाप। अरे दीदी, पूरा काजल फैल जाएगा। अरे दिल नहीं बाट, इसको मेरे काजल बिगड़ने की पड़ी है या मेरा दिल, मेरी किस्मत सबको फफूंदी लग गई है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां मिले। ऋषभ देखिए ये सही है ना? वाओ ब्यूटीफुल जागृति, बहुत ही अच्छी डिजाइन है तुम, यू आर सो टैलेंटेड। जिस तरह से तुम दोनों एक दूसरे को समझते हो, मुझे लगता है वो तुम्हें पसंद करता है। ऋषभ के मन में मेरे लिए क्या है मैं पूछ लूं क्या? ऋषभ मुझे आपसे कुछ पूछना था। आप पूछिए ना। वो ऋषभ, मेरा फ्री मेकअप किट आ गया, तो सोचा पहले तुम्हें थैंक्स बोल दूं फिर यूज कर। इट्स ओके, पहले तुम ये देखो, इतनी अच्छी डिजाइन बनाई जागृति ने, शी इज सो टैलेंटेड। मैं ना रमणीक अंकल को फोन करता हूँ, तुम ये लो। सर डिजाइन का काम पूरा हो गया, जागृति ने हेल्प करी, मैं अभी आपको मेल करता हूँ। अरे ये सब डिजाइन्स कहाँ चले गए? मैं तो सिर्फ डिजाइन्स देख रही थी और ये तो सब गायब हो गया। मैं सब डिलीट कर दिया सेजल। जब तुम्हें कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तुमने छेड़छाड़ क्यों करी इसके साथ? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? कुछ जानबूझ के तो नहीं किया मैंने, बस हो गया। ऋषभ, आपको सेजल को ऐसे डांटना नहीं चाहिए था, मैं ये दोबारा बना दी थी। अच्छे ने लड्डू, बहुत अच्छे। हाँ तो बस एक और हो जाए। बिल्कुल नहीं,
ऑलरेडी दो खा चुकी हूँ मैं। अरे तो क्या हुआ, एक और खा लेगी तो कुछ नहीं होगा, तू जिम में जाके अपनी रनिंग कर लेना। नहीं मस्त। बिल्कुल नहीं। नहीं चल ठीक है, लेकिन बाद में खाना, खास तेरे लिए लाया हूँ। ठीक है। जलपा आज ये हमको जो मस्त माइंड ब्लोइंग लोन का चेक मिला है उसके लिए मेरी गारंटी किसने ली? किसने? वो पापा के पुराने फ्रेंड नहीं है, मिस्टर रमेश पटेल, बहुत बड़े बिजनेसमैन है। उन्होंने ने मेरी मस्त माइंड ब्लोइंग गारंटी ली बैंक में। रमेश अंकल, भरत को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने आपके पास बॉन्ड्स और गहने गिरवी रखे हैं उनकी लोन की गारंटी के लिए। जलपा टिकरी तू टेंशन ना ले, समझ ले लोन अप्रूव हो गया भरत का। जलपा? हाँ माँ, अभी आई। वो शाम को विनायक जी की पूजा की तैयारी करनी है, बहुत काम बाकी है, मैं बस अभी आई। जा जा। वाह भाई क्या मस्त माइंड ब्लोइंग टाइमिंग है। हाँ भाई बोलिए। वो आपके दो डॉक्यूमेंट्स रह गए थे सबमिट करने के लिए। अरे आप बिल्कुल टेंशन मत लो, जो बचे कुचे एक दो डॉक्यूमेंट है ने वो मैं खुद लेके बैंक में आऊंगा। डॉक्यूमेंट किधर होंगे? जलपा की ये शानदार कपड़ नहीं होंगे? मस्त माइंड ब्लोइंग। मेरी बीवी ने सब कुछ ताला चाबी में रखती है। अरे जलपा ये तुम्हारी अलमारी की चाबी कहाँ रखी है? वही टेबल की ड्रॉअर में रखी है, देख लीजिए। ये तो अब IVF का बिल है। मैं शौरवरी की IVF बिल्स अलमारी में ही भूल गई, उसपे तो मेरा नाम लिखा है। खूब भरत ने वो बिल्स देख ना लिए हो, वरना उन्हें पार्थ और शौरवरी के बच्चे के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन ये IVF का बिल जलपा के नाम का क्यों है? कोई तारीख भी नहीं लिखी है ऊपर, इसका तो एक ही मतलब निकलता है, क्या जलपा आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट हुई है? ना इसकी शक्ल मेरे जैसी है, ना इसकी अकल मेरे जैसी है। वो क्या है ना, जयू मुझ पे गया है। एने मेरा बेटा क्यूट? अरे बहुत क्यूट है भरत भाई, पर दिखने में आपके जैसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब है कि इतने सालों के इंतजार के बाद हमारे घर में जो बेटा पैदा हुआ वो मेरा अंश नहीं है। बड़ी बात छुपाई जलपा ने मुझसे, इतना बड़ा धोखा। आपको वो डॉक्यूमेंट्स मिल गए? हाँ हाँ मिल गए ने, मैंने ले लिए, वो कबाट की चाबी सामने रखी है। गॉड भरत ने ये बिल नहीं देखा। मैं अभी आई। कि ऋषभ अपने आप को समझता क्या है, मुझे डांट रहा था। ये लिपस्टिक्स ये यहां किसने रखी? वो भी मेरा फेवरेट ब्रांड। तेरा फेवरेट परफ्यूम?
ऋषभ, आई नो कि तुम यहीं कहीं छुपे हो, जल्दी बाहर आ जाओ। God, you're smiling. मुझे लगा सेजल का गुस्सा इतना ऊंचा चढ़ा है कि नीचे उतरने से ही रहा। वो सब तो ठीक है, पर ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि लड़कियों के I mean specially मेरे favorite brand कौन से हैं? सेज में MBA किया सेजल, अच्छे से जानता हूँ किसी की नाराजगी दूर करने के लिए उसे क्या देना चाहिए। Not bad. मेरी नाराजगी की इसे इतनी परवाह हो रही है? ठीक है, लाइन पे आ रहा है। अच्छा वैसे तुमने किसी इम्पोर्टेंट काम से बुलाया था ना? हाँ, इम्पोर्टेंट भी और बहुत स्पेशल भी, बट यू नो स्पेशल बातों के लिए स्पेशल जगह होनी चाहिए, तो तुम मुझे डेट पर लेके चलो, वहीं बताऊंगी। ठीक है, डन, सेल्फी लेते हैं। कल मैं ऋषभ को बता दूंगी कि मैं उसके लिए कितनी सीरियस हूँ, अपने दिल की सारी बातें उसे बता दूंगी।